और जब बाबा के समीप जाती हम तो संग का रंग हमारे ऊपर चढ़ता है। संग समीप रहने से संग का रंग चढ़ेगा। बुद्धि के द्वारा बाबा के समीप जाते हैं, बाबा के साथ सर्व संबंध जोड़ते हैं। हम गायन क्या करते हैं कि बाबा ही मेरा संसार है। तो जब बाबा ही मेरा संसार है तो हमारे सर्व संबंध उससे हो गए। संसार में दूसरा कोई रहा ही नहीं तो उसके बिगर हमें कोई दिखाई नहीं पड़ेगा, और उसी से हमें सर्व प्राप्तियां होगी, उसी से हमें सर्व रचनाएं मिलेगी, जिसके आधार पर हमारी बुद्धि क्या होती जाएगी, देहधारियों से निकल करके एक में जुटती जाएगी, और सहज हम क्या बन जाएंगे, नष्ट हुआ बन जाएंगे, नष्ट हुआ स्मृति लब्धा हो जाएगी। बाबा की याद के अगर किसी की याद नहीं आई तो इसीलिए कितना हमारा बाबा से संबंध है ये हमें चेक करने की आवश्यकता है कि हम सर्व संबंध बाबा से जुड़े हैं या अभी तक कोई संबंध हमको अपनी तरफ खींच रहा है। जिसको कहा जाता है कहां लटके तो नहीं, किसी व्यक्ति को आप उल्टा लटका दो तो उसकी हालत तो बुद्धि भी अगर लटक गई हमारी बुद्धि किसी से तो चैन तो नहीं आ रहा। तो ईश्वरीय जीवन का जो चैन है, ईश्वरीय जीवन का जो आनंद है वो संबंधों की समीपता, बाबा के साथ समीप है तो सर्व के साथ समीप है। ये सारा विश्व ही मेरा परिवार। बाबा ने कहा जिसके अंदर संबंध की समीपता है उसकी निशानी क्या होगी, उसकी निशानी होगी बाप समान बेहद होगी उनकी, वो किसी हद में फंसे हुए नहीं होंगे। जैसा बाबा बेहद का बाबा है वैसी वो आत्माएं बेहद की बन जाएगी, सर्व की बन जाएगी। तो बेहद में जाना अर्थात ही बाबा के साथ सर्व संबंध जोड़।